पंजाब असम्बली का आज इजलास, हुकूमत को कोरम पूरा करने की फिक्र, कानून साजी और कोरम पूरा करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलज़ार की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास तलब, अरकान की आमद का सिलसिला जारी, हुकूमती मौकिफ को भरपूर अंदाज में उजागर करने पर भी मुशावरत। तहरीक लबैक की क्यादत और कारकुनान की नजरबंदियों के खिलाफ दरखास्त, हाई कोर्ट का होम डिपार्टमेंट को 3 रोज में नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों का फैसला करने का हुक्म, 682 लोग नजरबंद हैं। एडिशनल सेक्रेटरी फैसल असगर, लोगों की आजादी का मामला है, अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसे कीमत अदा करना होगी, किसी के घर रोटी नहीं होगी तो मुश्किल ज्यादा होगी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। क्यों बच्चा नहीं मिल रहा, क्यों पुलिस इतने सुस्त है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इन्हें कह के आप लेडी फोर्स लेके जाए करो में चेक करें, कुछ नहीं है, लोग कर रहे कुछ नहीं कर रहे, सुबह पुलिस को फोन कर करके जा के बुलाया, कल शाम से मेरा बेटा घूमे अभी तक नहीं मिला। फूल जैसा बेटा अफवाह, माँ की दुनिया उजड़ गई, पुलिस क्यों सोई हुई है, लगते जिगर को बाजियाब नहीं करा रही, माँ की दुहाई। 5 साल साथ के अफवाह पर घर में कोहराम, वालिदैन पर गशी के दौरे, साथ वालिदैन के साथ सैर करने गुलशन इकबाल पार्क गया, बुरका पोश खातून वर्गला फुसला कर अपने साथ ले गई, फोटेज में खातून को पार्क से मुल्हिका गली से गुजरते देखा जा सकता है, सीसीटीवी फोटेज मिलने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। गाजियाबाद में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग, राणा ग्रुप की अमजद अली ग्रुप पर फायरिंग से 2 बच्चों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी, 5 साला आजम, 5 साला सहर, 23 साल अख्तर और 20 साला कादिर अली सर्विसेज अस्पताल में दाखिल। गाजियाबाद में इकदामे कत्ल और लड़ाई झगड़े की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, मोहम्मद सकीर नामी शख्स गिरफ्तार। के खिलाफ जंग, लाहौर न्यूज के संग, जीजी रोड गढ़ी शाहू में LWMC का अमला सफाई ऑपरेशन में मसरूफ, गलियां और सड़कें साफ की जाने लगी, तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स के नुमाइंदे और GM ऑपरेशंस सुहेल अनवर मलिक भी मौके पर मौजूद। तालीम के नाम पर भी जालसाजी, लाहौर बोर्ड में जाली डिग्रियां बनाए जाने का इंकशाफ, बोर्ड के मुलाजमीन ही जाली डिग्रियां बनाने में मुलाविस निकले, 2 जूनियर क्लर्क पैसे लेकर जाली डिग्रियां बनवाकर लोगों को देते थे, मुलजिम आसिफ इमरान और जिशान सजाद ओहदों से मुअत्तल। खूनी खेल नामंजूर, पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी रोकने के लिए मौसर इकदाम नहीं किए और न ही जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, एडवोकेट शराज जका की हाई कोर्ट में दरखास्त। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा, शहर में 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने के लिए तखमीना लागत तैयार, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फ्रांस और डेनमार्क प्लांट के लिए कर्ज देंगे, ट्रीटमेंट प्लांट से शहर का 1200 क्यूसिक पानी साफ किया जा सकेगा। अद्वियात की कीमतों में इजाफा, न्यू मुस्लिम टाउन में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा, कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मुगलपुरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और बच्चे को कुचल दिया, खातून अपने 4 साला बेटे मोइस समेत मौका पर जां बहक, शोहर अब्बास अली शदीद जख्मी हालत में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर फरार, हेल्पर गिरफ्तार। और गोल्ड मेडलिस्ट बशीर भोला भाला को रुस्तम पाकिस्तान के दंगल में शामिल न करने का मामला, हाई कोर्ट ने DG स्पोर्ट्स बोर्ड को दरखास्त गुजार को सुनकर 7 रोज में फैसला करने का हुक्म, पाकिस्तान के लिए खेलने वालों को मौका मिलना चाहिए, बशीर भोला भाला की मीडिया से गुफ्तगू।